हाय फ्रेंड्स, मैं आलोक गुप्ता टेक्निकल फॉर्म में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों महिंद्रा कोटक बैंक के बारे में। हाउ टू ओपन कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट इंस्टेंट। इंस्टेंट कैसे आप ओपन कर सकते हैं जीरो बैलेंस में अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में। जीरो बैलेंस में आप कैसे अकाउंट खोल सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू इंस्टेंटली, 5 से 10 मिनट के अंदर में आपका दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक में आप ऑनलाइन के थ्रू आप अकाउंट खोल सकते हैं जीरो बैलेंस। चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइएगा, इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। स्किप अगर आपने कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपका अकाउंट ओपन नहीं भी हो सकता है। सब्सक्राइब करें टेक्निकल फॉरम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस में अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले अपना वेब ब्राउजर को ओपन करिए। वेब ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करिए आप कोटक महिंद्रा बैंक 811। इंटर के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला लिंक आया है इसे आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए अप्लाई नाउ, ये अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करिए। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे यहाँ पर पूरा नाम मांगा जाएगा, जो आपका पैन कार्ड में जो नाम है आपका, आपको यहाँ पर वही फुलफिल करना है और मोबाइल नंबर आपको देना है। मैं नाम टाइप कर देता हूँ। नाम टाइप करने के बाद मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर ओटीपी भरिए अपना। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे जेंडर पूछा जाएगा, जेंडर मेल, अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड में है आपका डेट ऑफ बर्थ वही भरिए आप। यहाँ नीचे से आपका ईयर चेंज होगा। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस भरना है। हाउस नंबर अगर आपके पास है तो हाउस नंबर भर दीजिए, या बिल्डिंग नंबर आपका या अपार्टमेंट का कुछ नाम है तो मैं अपना हाउस का नेम भर देता हूँ। यहाँ पर आपको लैंडमार्क, लोकेलिटी, स्ट्रीट नेम देना है आपको कुछ, तो मैं यहाँ आपको लैंडमार्क देना है। यहाँ पिन नंबर आपको भरना है। पिन नंबर भरने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आई कंफर्म द फॉलोइंग आई रिसेंट कंफर्मेशन, ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स आएगा आपका यही एड्रेस पे आएगा आपका। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप पैन नंबर पे क्लिक करिए। यहाँ पर अपना पैन नंबर भरिए। पैन नंबर भरने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करिए। सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज कंटिन्यू पे एक बार क्लिक कर दीजिए। बस ये वेरीफाई हो गया। अब ऑक्यूपेशन में आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिए। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक। फिर एनुअल इनकम आपको भरना है। यहाँ पर एनुअल इनकम आप जो भी दे दीजिए। मैं लेस देन 2 लाख दे देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टिक हो गया। कंटिन्यू पे क्लिक करिए। ये देखिए चारों वेरीफाई हो गया। आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए अगेन। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ट्यूअल स्टेटस सिंगल, उसके बाद यहाँ आपको मदर नेम भरने के बाद यहाँ फादर नेम भरना है आपको। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भरने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सारा वेरीफाई हो गया। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करिए। ये देखिए वेरीफाई हो गया आपका सारा। आप फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। आप कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका थैंक यू फॉर योर डिटेल्स सारा भरा गया। ओके, आपका अकाउंट यहाँ आप एप्लीकेशन नाउ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा टाइम लेगा।
यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स जाके अपना नियरेस्ट ब्रांच में आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। तो यहाँ पर आप जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे, आपको नियरेस्ट ब्रांच में कोटक महिंद्रा बैंक के नियरेस्ट आपका जो भी ब्रांच होगा वहां पर आपको जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। एक डेट आपको सेट करना होगा, उसी डेट के अंदर में आपको जाकर सेल करना होगा। तो मैं 18/12/2018 को कर लेता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक। देखिए, थैंक यू, यू हैव सक्सेसफुली शेड्यूल योर एप्लीकेशन। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अब आपको एम पिन, मोबाइल बैंकिंग के लिए एम पिन आपको क्रिएट करना है, जनरेट करना है, न्यू एम पिन जनरेट करना है। तो मैं जनरेट कर लेता हूँ। अगेन कंफर्म एम पिन आपको देना है। देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड एक आपका शो कर देगा यहाँ पर, आईएफएससी कोड, आपका अकाउंट नंबर देखिए जनरेट हो गया यहाँ पर सारा। देखिए आईएफएससी कोड, मेरा ब्रांच का आईएफएससी कोड वगैरह, यहाँ देखिए एटीएम कार्ड। कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक अमाउंट बोला जा रहा है आपको ऐड करने के लिए, तो आप नहीं भी कर सकते हैं, तो मैं आई विल डू दिस लेटर पे कर देता हूँ क्लिक। यहाँ पर शॉपिंग वगैरह के आपको ऑफर समझाए जा रहे हैं। तो आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट खुल गया दोस्तों। ऐप को अपना मोबाइल में इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आप दोस्तों अपने मोबाइल में आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप तो एंजॉय करिए दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।